भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने मैच विनिंग इनिंग खेली। कोहली ने 53 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 82 रन बनाए। इस मुकाबले का आखिरी ओवर बेहद रोमांचक रहा, इसमें टीम इंडिया ने कुल 16 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से यह ओवर मोहम्मद नवाज ने किया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस दौरान पाकिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 19वें ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए थे। इस ओवर तक कोहली 74 रन बनाकर और पांड्या 40 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज को दिया। भारत के 20वें ओवर के दौरान पांड्या के पास स्ट्राइक थी। वे इस ओवर की पहली गेंद पर बाबर आजम को कैच थमा बैठे। इसके बाद उन्हें स्टार्टिंग बैटिंग करने पहुंचे। कार्तिक ने ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और स्ट्राइक कोहली को दी। कोहली ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिए और स्ट्राइक अपने पास रखी। मोहम्मद नवाज के ओवर की चौथी गेंद नो बॉल हो गई। इस पर कोहली ने छक्का जड़ दिया। इसके बाद नवाज ने अगली गेंद वाइड बॉल फेंकी। कोहली ने चौथी गेंद पर बाई के 3 रन लेकर मैच को रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया, लेकिन अगले ही पल पासा फिर पलट गया। ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक स्टंप्स आउट हो गए। इसके बाद आखिरी बॉल फिर से वाइड हुई और आखिरी गेंद पर अश्विन ने 1 रन लेकर टीम इंडिया को जीत दिला दी।